मथुरा में होली के त्योहार को लेकर खाद्य विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है, जिसमें खाद्य विभाग का टारगेट घर में प्रयोग होने वाले मसाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी टीम ने छापेमारी के दौरान मिलावटी मसाला पकड़ा है, लेकिन मिलावटखोर सुधर नहीं रहे। क्या इनके दिलों से प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है, या समय पर चेकिंग नहीं होती इसलिए बेखौफ होकर मिलावटी खोर अपना गोरख धंधा चलाते हैं। दरअसल त्योहार नजदीक होने के कारण खाद्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है और लगातार छापेमारी करके मिलावटखोरों में हड़कंप मचा दिया है। दो दिन में लगातार छापेमारी कर साबित कर दिया गया है कि अब मिलावटखोर बच नहीं सकते। खाद्य विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री में छापा मारा तो काफी मात्रा में माल मिला, जिसको जब्त कर लिया गया और नमूने भी लिए गए थे। ठीक दूसरे दिन मथुरा थाना रिफाइनरी के इंडस्ट्रियल एरिया के J17 प्लांट नंबर रतन मसाले में निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उनमें देखने को मिला कि खाद्य रंग मसालों में मिलाया जा रहा था। टीम को देखकर पैकिंग फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कर्मचारी भी इधर-उधर भागने लगे। पूरी तरीके से निरीक्षण किया गया तो देखा गया कि हल्दी मिर्ची गरम मसाला आधी में रंग का इस्तेमाल किया जा रहा था। मौके से माल को जब्त किया गया और नमूने भी लिए गए। वहीं खाद्य अधिकारी का कहना है कि हम लोग 1.5 साल से मसालों की फैक्ट्री पर ही जोर दे रहे हैं, जिस कारण लगातार 2 दिन में 2 फैक्ट्रियों पर छापेमार कार्यवाही की गई है। पूरे साल की अगर बात करें तो 100 से ऊपर हमने नमूने लिए हैं और 15 से 20 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है, जिससे मिलावटखोर सुधर सके। अब देखना होगा कि खाद्य विभाग की इस कार्यवाही से इन लोगों में क्या सुधार आ पाता है। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। जी सर, कल छापेमारी कार्रवाई की गई थी, मसाले फोटो क्या पूरा मामला? देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया में जो साइट भी है वहाँ पर हमारी टीम निरीक्षण कर रही थी, तो वहाँ पर रतन मसाले के नाम से हरिओम शर्मा के यहाँ पर छापेमारी किया। तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पिछले 1.5 साल से मसालों के ऊपर मथुरा में नकली मसालों का कारोबार फल फूल रहा था। अब धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा छापेमारी लगातार अंकुश बनाए हुए हैं। जो भी उसका चेन है उसको ब्रेक कर रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको भी इंटेंसिवली इस पर काम हम लोग कर रहे हैं। तो कल परसों यहाँ पर जयसिंहपुरा में हुआ था और कल रतन मसाले साइट भी इंडस्ट्रियल एरिया में, तो ये वहाँ पर भी ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन यह है कि कुछ गंदगी थी और बहुत थोड़ी मात्रा में खाद्य रंग था। जो मिर्ची में मिलाने के लिए था वो खाद्य रंग था, मिर्ची को चटक करने के लिए। तो लेकिन वो भी ठीक नहीं है, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा है या अनजाने में लोग खरीद लेते हैं तो वो उचित नहीं है, इसलिए कड़ी कार्रवाई की गई है। 12 नमूने लिए गए और सीजर किया गया। कितने लोगों के खिलाफ अभी चालान काटे गए हैं, क्या कार्रवाई है? नहीं देखिए, अगर आप पूरा इसको एक तरफ से ना देख करके, ये पूरे 1.5 साल की कार्रवाई है। 1.5 साल की कार्रवाई में 100 से अधिक नमूने लिए गए और लगभग 15 से 20 जगहों पर बड़ी कार्रवाई की गई। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।